नमस्कार, केबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तराखंड लाइव में आज बात करेंगे तमाम उन खबरों की जो है उत्तराखंड राज्य से जुड़ी, मगर उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दांव हुए फेल, राज्यसभा सीट के लिए राज बब्बर ने भरा नामांकन। देहरादून का चंद्रमणि मंदिर है ऐतिहासिक, तालाब में निवास करती है मां गंगा। पहाड़ों में विकास को तरस रहे हैं लोग, पलायन करना बनी मजबूरी। बड़ा सवाल, उत्तराखंड में कब होगा विकास? झंडे जी के सजदे में झुक रहे हैं हजारों शीश, दरबार साहिब में उमड़ने लगा है श्रद्धा का सैलाब। और केबीसी न्यूज ने की देहरादून के मेयर विनोद चमोली से एक मुलाकात, निगम की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड लाइव की शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में काफी दिनों से घमासान मचा हुआ था। हम बात कर रहे हैं उस राज्यसभा सीट की जिस सीट को लेकर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और वर्तमान सीएम हरीश रावत के खेमे आपस में भिड़ गए थे। आपसी खींचतान लगातार जारी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने राज बब्बर को राज्यसभा भेजकर सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि आपसी लड़ाई में कोई तीसरा ही बाजी मार लेता है, ठीक वैसा ही हुआ उत्तराखंड में। उत्तराखंड कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर जिस तरह का घमासान बीते दिनों देखा गया, उसके बाद राज बब्बर के नाम पर मुहर लगना उत्तराखंड कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संभावनाओं के बावजूद किसी बाहरी नेता के टिकट ले जाने के पीछे एक बड़ी वजह रही उत्तराखंड कांग्रेस की आपसी कलह। राज्यसभा में राज बब्बर को भेजा जाना पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए तो झटका है ही, साथ ही इससे मुख्यमंत्री हरीश रावत का खेमा भी निराश हुआ है। गौरतलब है कि रावत खेमे से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का नाम भी राज्यसभा सीट के लिए अहम दावेदारों में था, तो वहीं सूबे के पूर्व मुखिया विजय बहुगुणा भी राज्यसभा सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने दोनों के ही मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल उत्तराखंड में राज्यसभा सीट की दावेदारी को लेकर पार्टी में कलह और खींचतान चरम पर आ गई थी। राज्यसभा में मनोरमा शर्मा की जगह लेने के लिए दावेदारों की फौज सी तैयार होने लगी थी। शायद इसी को देखकर कांग्रेस हाईकमान ने राज बब्बर को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। वहीं माना यह भी जा रहा है कि पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से नजदीकियों का फायदा भी यहाँ बब्बर को मिला। सूत्रों के मुताबिक राज बब्बर का नाम राहुल गांधी के स्तर से ओके होने के बाद से ही राज्यसभा के लिए दावेदारी कर रहे स्थानीय दिग्गजों ने अपने हथियार डाल दिए। कई दिनों से उत्तराखंड कांग्रेस में चली आ रही खींचतान आखिरकार राज बब्बर के नामांकन पर खत्म हो गई। लेकिन क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म हो पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और क्या उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बनने के बाद राज बब्बर वाकई में उत्तराखंड के जनमानस की समस्याओं को और पहाड़ की पीड़ा को संसद में रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बतौर राज्यसभा सांसद राज बब्बर को ना तो उत्तराखंड के भूगोल के बारे में कुछ पता होगा और ना ही पहाड़ के दर्द का एहसास। ऐसे में भला वो कैसे संसद में उत्तराखंड के मुद्दों की पैरवी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर कांग्रेस के दिग्गजों का कहना है कि हाईकमान का निर्णय ही उनके लिए मान्य होगा। दावेदारी करना हर हमारे कांग्रेस के भाई बहन का कार्यकर्ता का हक है, अधिकार है। और जो फिर हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, सोनिया गांधी जी का जो केंद्रीय नेतृत्व का जो ही निर्देश होता है, हम सब उसका पालन करते हैं। एक पुरानी फिल्म का गाना है, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज कंवर। उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे नेताओं की लॉबिंग और नेताओं में घमासान राज्यसभा सीट को लेकर पिछले दिनों देखा गया, और अचानक से हाईकमान ने राज्यसभा की सीट बाहरी उम्मीदवार यानी राज बब्बर को दे दी, उससे ये बात साफ होती है कि जिस तरह का घमासान उत्तराखंड कांग्रेस में मचा हुआ था, हाईकमान भी उससे काफ़ी परेशान थी, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाल के राज बब्बर को राज्यसभा की सीट दे दी। अब देखने वाली बात होगी क्या राज बब्बर उत्तराखंड की समस्याओं को संसद में उठा पाते हैं या नहीं।
कैमरा पर्सन गौरव शर्मा के साथ रोहित विक्रम सिंह, केबीसी न्यूज, देहरादून। राजधानी देहरादून में अगले 10 दिन जनता के लिए मुसीबत का सबब बनने वाले हैं, और वो इसलिए क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और पुलिस ने विधानसभा के आसपास 7 स्थानों पर बैरियर लगा दी है, जिससे आने जाने वालों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरियर लगाए गए हैं और यहाँ पर जाम की स्थिति बन चुकी है। लोग हलकान हैं, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं और रूट डायवर्जन यातायात दबाव दूनवासियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उत्तराखंड लाइव में बात करेंगे उस जल समस्या की जो सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती है। हम बात करें राजधानी देहरादून की, उन सड़कों की जो लगातार जर्जर होती जा रही हैं। जर्जर होती इन सड़कों से दूनवासियों का गुजरना मुश्किल है। लगातार इन गड्ढों से लोग जूझते हैं, इसकी वजह से जाम भी लग जाता है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि हर मंजिल का रास्ता तय करके जाना होता है, पर जब बड़े वादे करते हैं, सड़कों के वादे करते हैं, पानी के वादे करते हैं, बिजली के वादे करते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स के वादे करते हैं। फ्लाईओवर्स की बात तो दूर छोड़ दी है, आज जनता को चलने के लिए अच्छी सड़कें भी सरकार नहीं मुहैया करा पा रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में भी क्या सरकार जनता को यूं ही गुमराह करती रहेंगी। कैमरा पर्सन धनंजय के साथ रोहित विक्रम सिंह, केबीसी न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड लाइव में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऐतिहासिक मंदिर की पूरी कहानी, जहां बसती है माँ गंगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे उत्तराखंड से पलायन करते उन लोगों का दर्द, जिनकी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।